धतूरे की जड़ को पहनने से मिलते हैं ये कमाल के फायदे जानिए। धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में बात करेंगे। धतूर एक प्रकार का पौधा होता है। इस पौधे के ऊपर कांटेदार फल लगते हैं। हालांकि इनके अंदर जो बीज होते हैं वे भी काफी जहरीले होते हैं, और यदि कोई इन बीजों का सेवन करता है तो उसको नुकसान होता है। धतूरे के पत्ते और फूल भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। धतूर आपको आसानी से घरों में देखने को मिल जाता है। हमारे घर के अंदर धतूरा अच्छी तरह से पाया जाता है और कई बार कुछ लोग लेकर भी जाते हैं। धतूरे का प्रयोग आयुर्वेद के अंदर भी किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से कई सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। धतूरे की जड़ सूंघे तो मृगी रोग शांत हो जाता है, और बवासीर के अंदर भी धतूरा काफी अधिक फायदेमंद होता है। हालांकि धतूरे का प्रयोग काफी डेंजर हो सकता है, इसलिए प्रयोग करने से पहले आपको जानकार से संपर्क करना चाहिए। अक्सर कुछ लोग धतूरे की जड़ को धारण करते हैं और इसकी वजह से बहुत अधिक फायदा देखने को मिल सकता है। क्या आपको भी धतूरे की जड़ को धारण करना चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। धतूरे की जड़ को धारण करने का तरीका भी बताएंगे। धतूरे की जड़ को धारण करने के फायदे, शनिदेव की कृपा होती है। दोस्तों, मुख्य रूप से यदि आप धतूरे की जड़ को धारण करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। मतलब यदि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो आपको धतूरे की जड़ को विधि पूर्वक धारण करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर शनि के कष्ट कम हो जाएंगे। यदि आपको नहीं पता है कि आपके ऊपर शनि देव की दशा चल रही है तो आप किसी ज्योतिषी से परामर्श कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि समस्या है या फिर नहीं। मंगल दोष होता है दूर। यदि आप धतूरे की जड़ को धारण करते हैं तो इससे मंगल दोष भी दूर होता है। यदि आपको मंगल दोष की समस्याएं हैं तो किसी ज्योतिषी से संपर्क करें और उसके बाद धतूरे की जड़ को धारण कर लें। जब आप इसको विधि पूर्वक धारण करते हैं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मंगल देव की कृपा प्राप्त होने से आपके अंदर साहस और बल में बढ़ोतरी होती है, आप समझ सकते हैं। काल सर्प दोष होता है दूर। काल सर्प दोष एक ज्योतिषीय योग है जो तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं। यह माना जाता है कि यदि यह योग जीवन के अंदर बन जाता है तो उसके बाद कठिनाइयां ही कठिनाइयां आती है, उनका अंत नहीं होता है और समस्याएं काफी भयंकर होती है। काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है, जिसके अंदर निम्न तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, शिक्षा और करियर में बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा और भय, शत्रुओं से परेशानी, इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप धतूरे की जड़ को धारण कर सकते हैं और इससे आपके जीवन के अंदर इसकी वजह से आ रही समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आपको नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है तो उसके लिए भी धतूरे की जड़ काफी अधिक उपयोगी होती है, और यह जड़ यदि आप अपने हाथ पर बांध लेते हैं तो इससे बुरी ऊर्जा आपको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती है। यहाँ पर बुरी ऊर्जा का मतलब भूत प्रेत से होता है, जो कि आपके आसपास हो सकते हैं, मगर आप उनको आम आंखों से देख नहीं सकते हैं। यदि वे किसी के पीछे लग जाते हैं तो नुकसान पर नुकसान ही करते हैं। धतूरे की जड़ पहनने के फायदे, बुरी नजर से होता है बचाव। यदि किसी को बार बार बुरी नजर लग जाती है और नजर ने काफी अधिक परेशान कर रखा है तो भी धतूरे की जड़ को धारण किया जाता है। यह माना जाता है कि धतूरे की जड़ को धारण करने की वजह से बुरी नजर दूर हो जाती है। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। खासकर बच्चों को बार बार बुरी नजर से बचाने में यह उपाय काम आता है। इसको सही तरह से धारण करने से आपको जरूर ही लाभ मिलता है। मन के भय को दूर करता है। धतूरे की जड़ को अभिमंत्रित करके यदि आप धारण करते हैं तो यह आपके मन के भय को दूर करता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी दुर्गम जगहों पर यात्रा करते हैं और वहां पर बुरी चीजें होने की वजह से अपने आप ही भय आने लग जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी को कम करने में भी धतूरे की जड़ काफी उपयोगी होती है। धन लाभ होता है। धतूरे की जड़ को धारण करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। कुछ लोग अपने घर के अंदर भी धतूरे की जड़ को रखने का काम करती हैं। यदि आपके जीवन के अंदर भी आर्थिक समस्याएं हैं तो ज्योतिषी से पूछकर आप जड़ को धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे सब सही हो जाता है। आजकल पैसा बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी है,
यदि आप कुछ भी करेंगे तो आपको बस पैसा की जरूरत ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। बिजनेस के अंदर तरक्की के लिए धतूरे की जड़ का प्रयोग। यदि आपका बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है और उसकी वजह से आप काफी परेशान रहते हैं तो भी धतूरे की जड़ को धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से बिजनेस की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका बिजनेस काफी अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा। शत्रु रक्षा के अंदर होता है प्रयोग। दोस्तों, शत्रु रक्षा के अंदर भी धतूरे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको शत्रुओं का काफी अधिक खतरा होता है तो बस एक बार धतूरे की जड़ को बांध ले, सारा काम हो जाएगा, शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जिनके बहुत अधिक दुश्मन बन चुके हैं और अब वे किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिमागी समस्याओं का अंत होता है। दोस्तों, कई सारी दिमागी समस्याएं जैसे कि तनाव, चिंता आदि हो रही है तो भी धतूरे की जड़ काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि माना जाता है कि अक्सर चिंता और तनाव शनि दोष की वजह से होता है और धतूरे की जड़ को शनि दोष को दूर करने वाला माना जाता है। मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है। धतूरे की जड़ के बारे में ये कहा जाता है कि यह मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने का काम करती है। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है तो शनि दोष को चेक करवाएं। यदि शनि दोष है तो जड़ को बांध सकते हैं जिससे कि पढ़ाई के अंदर मन लगना शुरू हो जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। नींद की कमी को दूर करती है। दोस्तों, धतूरे की जड़ के बारे में ये कहा जाता है कि यह नींद की कमी को दूर करने का काम करती है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग जिनको शनि दोष होता है उनको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर थकान और नींद की कमी को दूर करने के लिए भी धतूरे की जड़ को बांधा जा सकता है। समस्या कुछ ही दिनों में हल हो जाएगी। आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब इंसान के अंदर डर होता है तो आत्मविश्वास अपने आप ही कम हो जाता है। धतूरे की जड़ आपके अंदर के डर को कम करने का काम करती है जिससे कि आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है और किसी भी वर्क को करने के लिए अंदर आत्मविश्वास का होना काफी अधिक जरूरी होता है। धतूरे की जड़ को किस तरह से धारण करना चाहिए। धतूरे की जड़ को सबसे पहले लेकर आए, उसके बाद उसको गंगाजल से शुद्ध कर ले। आपको ये प्रयोग सिर्फ शनिवार के दिन करना है। फिर नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः। उसके बाद इस जड़ को नीले कपड़े के अंदर लपेटकर दाहिनी भुजा के अंदर बांध लेना होगा। इससे आपको जल्दी ही बहुत अधिक फायदा देखने को मिल जाएगा। दुर्घटनाओं का खतरा कम करती है। धतूरे की जड़ को धारण करने से दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। यदि आपके साथ बार बार बुरी घटनाएं हो रही हैं, तो यह संभव हो सकता है कि आपको शनि दोष हो। एक बार आप चेक करवाएं। यदि सच में है तो धतूरे की जड़ को धारण कर ले जिससे कि बार बार आने वाली परेशान कम हो जाएगी और आप अधिक सेफ रहेंगे। धतूरे की जड़ के फायदे और नुकसान के बारे में हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेख उपयोगी लगा होगा। अपने आप को यूनिक तरीके से बताने का प्रयास किया है।